दोस्तों, अगर आप लोग पीएम किसान निधि का केवाईसी अगर कंप्लीट नहीं किया, जिसके कारण से पैसा आपका रुक गया है, नहीं आया है, तो कैसे केवाईसी को कंप्लीट करना है और कैसे चेक करना है कि आपका अपना केवाईसी किए हैं या नहीं, ओके कंप्लीट है या नहीं, टोटल प्रोसेस हमने आपको इस वीडियो में बताया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और उन साथी के पास जरूर शेयर कीजिएगा जो चाहते हैं अपना केवाईसी चेक करना हुआ हुआ है या नहीं, कंप्लीट है या नहीं, और कैसे केवाईसी करना है आधार कार्ड से। टोटल प्रोसेस हमने आपको इस वीडियो में बताया, तो अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा भी नहीं। तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों का पीएम सम्मान निधि का जो पेमेंट आता है वो बंद हो गया है, कैसे उसको चालू करना, सबसे पहले आपको गूगल में पीएम किसान लिखना है। पीएम किसान जिसे लिखेगा, आपको जो फर्स्ट वेबसाइट आएगा, फर्स्ट लिंक आएगा पीएम किसान सम्मान निधि, उसको ओपन करना। ओपन करने के बाद आगे क्या करना है, फुल प्रोसेस हमने आपको इस वीडियो में बताया, तो अंत तक जरूर देखिएगा और अपने उन दोस्तों और साथी के पास जरूर शेयर कीजिएगा जो चाहते हैं कि पीएम सम्मान निधि का जो पेमेंट होता है कैसे उसको उठाया जाए, कैसे उसका लाभ लिया जाए। तो सबसे पहले आपको केवाईसी करना होगा। जैसे ही आप पीएम किसान सम्मान निधि ओपन कीजिएगा, वहाँ पर डैशबोर्ड एक ओपन हो जाए। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद वहाँ पर ई केवाईसी का ऑप्शन आएगा, उसको ई केवाईसी करना है। ई केवाईसी करने के बाद अगर आपका ई केवाईसी डन है तो आपका पेमेंट आएगा, अगर ई केवाईसी डन नहीं है तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। तो आपको उसको ई केवाईसी कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले उसको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आगे क्या क्या प्रोसेस है, फुल प्रोसेस हमने आपको इस वीडियो में बताया। तो सबसे पहले आपको आधार नंबर इंटर करना होगा। आधार नंबर इंटर करने के बाद आपको सर्च पे क्लिक करना होगा। जैसे ही सर्च पे क्लिक कीजिएगा, इसमें आपको आगे क्या करना, तो फुल प्रोसेस हमने आपको इस वीडियो में बताया। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम टेक से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। देखिए, जैसे ही इसमें आधार नंबर इंटर कीजिएगा तो यहाँ पे सर्च पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा। अगर आपके पास केवाईसी डन है तो आपका पेमेंट आएगा, अगर नहीं आ रहा तो आप जा करके जो नियरेस्ट ब्लॉक है, अनुमंडल है, आपको डायरेक्टली वहाँ पे जा करके संपर्क करना होगा, तभी आपको पेमेंट आएगा। कुछ ना कुछ दिक्कत होगा, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, दो तीन बार चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं हो रहा है तो आपका जा करके आपको ब्लॉक में पता करना होगा। अगर केवाईसी डन है तो आया तो नहीं है तो अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप खुद से भी कर सकते हैं, नहीं तो आपसे नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले अगर नहीं हुआ तो आपको आधार में मोबाइल नंबर लिंक करना होगा। लिंक करने के बाद ही आप अपने से खुद से केवाईसी कर पाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते कुछ नए वीडियो में और नए टेक के साथ। सो राधे राधे, जय श्री राम, हैव ए नाइस डे।